अभी हम लोग देखते हैं ना कि आप कीवर्ड टारगेटिंग की मदद से आप अमेजोन पे एडवर्टीजमेंट आप कैसे चला सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कीवर्ड आपको फाइंड आउट कैसे करना है। सबसे पहले आपको आपको एक पेड मेथड आपको समझा देता हूँ। पहले एक Helium 10 का एक्सेस आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, नॉक्स टूल करके आपको गूगल पे सर्च करना है। ऐसे करना है, नॉक्स टूल्स, ये क्या है, शेयर्ड प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ये नॉक्स टूल बेस्ट ग्रुप बाय SEO टूल्स होता है ये, इससे आप फ्री में ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे अब जाऊँगा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि मेरे पास Helium 10 का एक्सेस है यहाँ पे। अगर आपको लेना है तो आप शॉपिंग कार्ट पे क्लिक करना है, पहले तो अकाउंट बनाओगे आप, उसके बाद आप नीचे आओ, कंट्रोल F करके सर्च करो आप हीलियम। देखो यहाँ पे आ गया, 399 रुपये में 1 महीने के लिए आपको मिल जाएगा ये। इसको सेलेक्ट करो और UPI पे क्लिक करो और यहाँ से पेमेंट कर दो आप, 399 रुपये में 1 महीने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे सस्ता टूल यही है। आपको अगर मतलब ये लगा लो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, 400 रुपये महीना कुछ भी नहीं होता है। रियल कॉस्टिंग अगर आप देखने जाओगे ना इसका, तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये के ऊपर जाता है, मतलब जो प्रीमियम वाला है ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इसका एक्सेस मेरे पास है, तो यहाँ पे लॉगिन हो गया। ठीक है, अब मैं अमेजोन के ऊपर जाऊंगा और अपने पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अभी, अब मैं अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। अभी थोड़े दिन में वेबसाइट भी पूरी चेंज हो जाएगी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड नहीं होंगे क्योंकि अभी इसको हम लोग रिन्यू करने वाले हैं। दूसरी वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन हो चुकी है, बस वो 2-4 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा डिले में देख रहे हो तो इस तरह का इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा, दूसरी तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मैं ये वाला प्रोडक्ट अभी देखता हूँ। ठीक है, कारो एक मशीन है, ये किड्स माइक बोलते हैं इसको, मैंने अमेजोन पे सर्च किया इसको, किड्स माइक। ठीक है, मैं सिर्फ पेड वर्जन के लिए जा रहा हूँ, पेड कीवर्ड के लिए ऊपर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें मैं देखूंगा टॉप जो प्रोडक्ट है ना इसके अंदर कौन सा आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है जिसके। ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है 2K+। ठीक है, मैं यहाँ हिस्ट्री में चेक करूंगा इसकी सेल, करीबन 23 लाख रुपए की सेल हो रही है यहाँ के अंदर। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहीं से मेरे को मैक्सिमम कीवर्ड्स यहाँ से मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो 23 लाख रुपए की सेल हो रही है सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए आपने पैसे पे किए हैं ना, जो आपने प्लान हमसे परचेज किया है, वो इसी चीज़ का ही कि आपको प्रोडक्ट इस तरह के मिलेंगे आपको कि उसमें आपको कहीं भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप अगर मान लो कि आप विदाउट प्लान के लिए अगर जाते हैं आप, या फिर आप खुद से प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, तो मेरे ख्याल से आपको स्टार्टिंग स्टेज में ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलते। जिस प्रोडक्ट की सेल हमारे पास है ऑलरेडी, हम लोग वही प्रोडक्ट ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको अगर एडवर्टीजमेंट रन करनी है तो आप कैसे करोगे, देखो कीवर्ड आपको ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले टॉप कीवर्ड पे मैं सर्च करता हूँ, सी ऑल कीवर्ड्स। ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ, अभी देखो दिखेंगे ना सारे प्रोडक्ट, सारे कीवर्ड। ये देखो 187 कीवर्ड्स मेरे को यहाँ पे दिखे हैं। ठीक है, किड्स टॉयज फॉर 2 to 5 ईयर्स, गिफ्ट्स टॉयज फॉर किड्स 5+ ईयर। ठीक है, मतलब टॉयज की कैटेगरी में है ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे से सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि भाई जो सबसे ज़्यादा अभी जिसकी हुई है ना, मतलब जो अभी ट्रेंड में ज़्यादा चल रहा है, वो कीवर्ड मैंने यहाँ पे फिल्टर कर लिया, किड्स गर्ल गिफ्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना ज़्यादा कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करूँगा, पहले तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कि जो अच्छे चल रहे हैं अभी, मैं देखूंगा जिसमें 100+ की ग्रोथ होगी ना। देखो यहाँ पे 918+% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 30 डेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं अगर मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 5% की ग्रोथ दिखा रहा है टॉप पे, तो आप उसमें से 15-20 कीवर्ड सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, पहले मैं 15-20 कीवर्ड्स को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं सारे कीवर्ड्स। ठीक है, मैं 20 कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये गर्ल्स गिफ्ट आइटम पता है क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका रीजन यही है कि अभी रक्षाबंधन गया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये आ रहा है। तो अगर आप
इसको ना सेलेक्ट करके अगर मैं देखूं, अभी मैंने ध्यान किया भी रक्षाबंधन गया तो ये थोड़े दिन के बाद ट्रेंड में नहीं रहेंगे, तो मैं इसको एक बार देखता हूँ जो ऑर्गेनिक तरीके से जो चल रहे हैं ना, मैं उसको देखता हूँ। मैं सभी कीवर्ड को सेलेक्ट करूंगा, उसमें से गर्ल्स वाले हटा दूंगा क्योंकि अभी कोई भी गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक नहीं खरीदने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा, मैं इसको एक्सपोर्ट डाटा CSV में इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझो कि कैसे आपको करना है, ठीक है। अब ये खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे ना ये ट्रेंड के हिसाब से आया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको डिलीट किया, इसमें से मैं गर्ल वाले हटा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से सिर्फ गर्ल्स वाले हट गए हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक है। मैं फिल्टर लगा के एम्प्टी सेल्स को भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये अब हमारे पास वो कीवर्ड आ चुके हैं जो कि मतलब रेगुलर बेसिस पे चल, मैंने सिर्फ गर्ल्स वाले हटाए हैं इसके अंदर से, ठीक है। और आपके केस में ऐसा नहीं हो सकता है, दूसरे प्रोडक्ट जो है ना वो गर्ल्स के लिए नहीं होंगे। मान लो कि दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको एक और दिखाता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि गर्ल्स वाले मैंने हटाए हैं इसके अंदर। मान लो कि ये मैंने मिनी पोर्टेबल, चलो अपन इसके लिए चलते हैं, वो किड्स माइक वाला छोड़ दो आप एक बार, ठीक है। या फिर उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद ये भी दिखा दूंगा आपको इसके ऊपर आपको कैसे रन करना है, ठीक है। तो पहले एक बार इसके ऊपर चलते हैं। गर्ल्स वाले मैंने सिर्फ इस वजह से हटाए हैं क्योंकि अभी रक्षाबंधन गई हुई है, ठीक है। अब इसमें से मैं वो कीवर्ड हटाऊंगा जो अपने से रिलेटेड नहीं है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। बॉयज़ गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट फॉर बॉयज़, थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है ये, आपको देखना पड़ेगा। किड्स गिफ्ट है, टीनेज, ठीक है, लगभग लगभग सही चल रहे हैं सारे के सारे। कुछ ऐसे कीवर्ड जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होंगे ना, उनको आपको हटा देना है, ठीक है। ठीक है, सारे सही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक अमेज़ॉन अकाउंट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट चलाऊँगा, कैंपेन मैनेजर पे जाऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ कैंपेन पे मैं गया, कंटिन्यू, इसका आप नाम लिख दो, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है। यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो किड्स माइक के अंदर हमारे पास दो है, एक तो ड्यूअल वाला है, एक सिंगल वाला है। तो अब मैंने जैसे बताया ना, अभी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अभी आपको नहीं दिखेगा वो, मैंने दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मैनुअल टारगेटिंग किया, कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है, ब्रॉड और फ्रेज दोनों को हटा दो क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा वेस्ट होते हैं। ज़्यादा डीपली मैं आपको इसमें अगर समझाने लगूंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। बस आप यही ध्यान रखो कि इन दोनों को आपको हटा देना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको आना है फिर क्रोम के अंदर, यहाँ पे एक्सेल अपलोड कर दो आप, ठीक है। ये कॉपी किया था ना वो कीवर्ड के सारे, यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया। कीवर्ड
किड्स वाला है ना इसको हटा देते हैं अपन। तो ऐड कीवर्ड किया, अब यहाँ पे सजेस्टेड बिड इसने जो दिखाया था ना वही उसने उठा लिया। मतलब अमेजोन क्या बोल रहा है कि एक कीवर्ड पे आपका जो प्रोडक्ट दिखेगा तब उस पर क्लिक होगा तो वो 6 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे किड्स गिफ्ट गिफ्ट आइडियाज फॉर 5 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो अपन ने सजेस्टेड वाले लिए, अगर कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट ले रहा है तो अपन उसको कम करेंगे। किड्स गिफ्ट, गिफ्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं, इसको हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, गिफ्ट फॉर टीनेज बॉयज, देखो गिफ्ट फॉर 2+ ईयर बॉयज, ये वाला भी अपन हटा देते हैं। तो ज्यादा बड़ा अमाउंट बोल रहा है ना उसको अपन हटा देंगे उसमें से। ठीक है, नीचे आता हूँ मैं, अभी 23 बोल रहा है ना ये बिडिंग, तो एक क्लिक पे ही 23 रुपये ले लेगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। नीचे अपन चलते हैं, किड्स गिफ्ट फॉर बॉयज, ठीक है, इस ये कीवर्ड अपने लिए अच्छा है, तो अपन इसको 3 पे ले आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ही ले रहा था ना ये, 20 रुपये ले रहा है, इसको भी अपन हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल सेट। तो एग्जैक्ट के लिए ही हमें करना है, और मैचिंग जो है अपने को मतलब 10 से ऊपर नहीं लेके अपने को जाना है ना, पर क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो ये कीवर्ड तो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, अब मैं नीचे चलता हूँ। ठीक है, डायनेमिक बिड्स, देखो इसमें 3 तरीके हैं। फिक्स बिड का मतलब ये होता है, इसमें 3 तरह बिडिंग स्ट्रेटेजी जो पूछ रहे हैं ना, इसमें 3 तरीके हैं अपने पास। 3 तरीके कौन कौन से हैं समझ लो चीजों को। डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो एडवर्टीजमेंट अच्छी काम कर रही है तो उसको अप या डाउन कर सकता है, कि भाई अगर अच्छी नहीं चल रही है तो वो बिडिंग को नीचे कर देगा। जैसे 6 रुपये ले रहा था ना, 10 रुपये एक क्लिक के ऊपर ले रहा था, तो वो उसको कम करता जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये डायनेमिक बिड्स ओनली, मतलब डाउन ओनली। डाउन ओनली का मतलब अगर काम नहीं किया तो नीचे ही नीचे जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर बिडिंग जो है ना उसकी ऊपर नहीं जाएगी वो 100%। देखो ऊपर वाले में क्या था कि अगर आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी चल रही है तो उसको 100% कर देगा, मतलब 6 रुपये अगर एक क्लिक के ऊपर ले रहा था तो 12 रुपये कर देगा। बिड्स डाउन का मतलब ये होता है कि उसको सिर्फ डाउन करेगा, ऊपर नहीं लेके जाएगा। 6 रुपये है तो 6 रुपये से ऊपर नहीं लेके जाएगा, चाहे भले ही आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी चल रही हो। ठीक है, फिक्स बिड का मतलब अच्छी चले चाहे ना चले वो फिक्स ही रखेगा उसको। तो ये वाला सही है, डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन वाला ये अच्छा रहता है। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी चल रही है तो उसको वो 100% तक बढ़ा देगा, मतलब 6 रुपये था तो उसको 12 रुपये कर देगा। ठीक है, टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज के ऊपर, इस ये आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। इसमें अगर मैं अभी 10% करता हूँ तो जो हमने एडवर्टीजमेंट चलाई है उसका 10% पैसा आपका जो है वो टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज के ऊपर जाएगा। और जो मान लो आपकी 10 बार अगर ऐड दिख रही, तो उसमें से एक बार आपकी जो ऐड है वो फर्स्ट पेज के ऊपर देखेगी। इस तरीके से ये काम करता है टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर। रेस्ट सर्च के मतलब वो कहीं पे भी दिखा सकता है, उस पर कितना परसेंटेज आप देना चाह रहे हो, 100 में से कैलकुलेट होता है ये। प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, आप प्रोडक्ट के पेज के नीचे आप कितना दिखाना चाहते हो, मतलब कि अभी दिखाता हूँ, अगर कोई मान लो किसी ने प्रोडक्ट कोई सर्च किया फॉर एवर मोर, ये किड्स मशीन जो है ना, ये किड्स माइक वाला, इसके नीचे एक एडवर्टीजमेंट दिखे, देखो कारवा करके जो दिख रहा है, यहाँ पे आप दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखा रहे हो, कितना परसेंटेज आप दिखाना चाहते हो, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना प्रोडक्ट पेजेस के अंदर, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द पेज के ऊपर आता आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहते हो तो देखो ये टेस्ट कर सकते हो आप, इसका कोई भी ना कोई स्पेसिफिक कोई ये नहीं बता सकता कि आप ये करो या फिर वो करो। ठीक है, तो ये आपको टाइम टू टाइम टेस्ट करना ही पड़ेगा, आप कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, इस पे इतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ। टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर आप 10% कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर मान लो टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, आप उसको चेक करते हो, उसको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो आप उसके बाद उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, कैंपेन नेम के अंदर आप लिखोगे किड्स माइक मैनुअल टारगेटिंग। ठीक है, बजट आप ये 300 रुपये डेली बोलता है, मैं फिर भी इसको बोलूंगा 150 रुपीज आप लेके चलो। ठीक है, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे लॉन्च। ठीक है,
गो टू कैंपेन मैनेजर में चला जाऊंगा मैं, और आपको ये धीरे धीरे, अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा हूँ क्योंकि अच्छे से वो हुआ नहीं है ना प्रोडक्ट। देखो एक पुराना कैंपेन था, मैं देख लेता हूँ इसको, ऑटोमेटिक था या मैनुअल था ये। टारगेटिंग देखता हूँ मैं। अच्छा ये ऑटोमेटिक कैंपेन था। देखो यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। क्लोज मैच का मतलब यहाँ पे वही है कि एग्जैक्ट मैच वाला जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग के अंदर, तो सबसे ज्यादा लगभग सेल इसी पे ही मिलती है। तो लूज मैच और सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, ये ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, इनको आप बंद ही रखो तो अच्छा है, ठीक है। बाकी क्लोज मैच के अंदर आपको सबसे अच्छी सेल मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 का ROS चल रहा है, आपका ROS अगर 6-7 से ऊपर चल रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये अब देखो सर्च टर्म, ये ऑटोमेटिक चला रखा था, आप कीवर्ड यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। आपको देखो ऑर्डर्स कहाँ से मिले, 3 ऑर्डर आपको मिले। मैं नीचे चलता हूँ देखता हूँ किससे मेरे को मिले भाई। कारोएक गिफ्ट्स, ये कीवर्ड था अपना, एक ये था कारोएक माइक विद स्पीकर ब्लूटूथ, 2, और तीसरा और देख लेता हूँ, तीसरा नहीं दिखा रहा ये, लास्ट 65 डेज अगर मैं करूं तो मैं, ठीक है। हाँ ये वायरलेस माइक्रोफोन स्पीकर, एक ये 3 कीवर्ड्स आए थे अपने पास, बाकी वो कीवर्ड्स भी अच्छे हैं जो मैंने आपको दिखाए, तो उसमें फिर टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना कि इस कीवर्ड पे आपको सेल मिली है, अब यहाँ पे देखो ये पता चल गया कि भाई इसने 10 रुपये भी स्पेंड कर लिए एक क्लिक के ऊपर, या फिर जितने भी क्लिक्स हुए थे, देखो क्लिक 7 हुए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 रुपये भी स्पेंड हुए, कोई ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। तो जब तक उसके ऊपर 50 रुपीज से ऊपर स्पेंड नहीं होता, आप उस कीवर्ड को बंद मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से पेड एडवर्टीजमेंट काम करता है, तो ये आप लगा के और आप अच्छे से काम कर सकते हो। बाकी अगर फ्री कीवर्ड्स आपको चाहिए तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, देखो कीवर्ड टूल डॉट आयो करके एक वेबसाइट है, इसमें आप सर्च कर सकते हो फ्री में, ठीक है। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ अमेजोन, मैंने सर्च किया यहाँ पे किड्स माइक, ठीक है, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कीवर्ड से दे देगा, ये देखो बहुत सारे, लेकिन इसमें ना ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मिलेंगे वो सारे के सारे कीवर्ड्स, और ये नहीं पता कि भाई कौन से की सर्च वॉल्यूम अच्छी है, ठीक है, कौन सा अपने लिए अच्छा रहेगा, इसमें से भी आप कीवर्ड्स उठा सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से एडवर्टीजमेंट चला सकते हो, और ये वाला आपके लिए फ्री टूल था, और पहले वाला जो Helium 10 बताया वो पेड टूल था। तो ये मेरे ख्याल से ये एडवर्टीजमेंट के लिए आपके लिए ना Helium 10 वाला अच्छा रहेगा, 400 रुपये में आप 1 महीने के लिए ले सकते हो, तो अच्छी बात है यार, वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट आप अपने अकाउंट पर चला सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर।